अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है जी। आज तलहा और अली जो हैं जल्दी आ गए हैं, 8 बजे के जाए शाम 4:30 बजे। आज इनकी चेस्ट ट्रेनिंग है और इनका जो ये वीक चल रहा है ये लोड वाला वीक चल रहा है और लोड में इनकी हैवी ट्रेनिंग चल रही है। तकरीबन ये 4-5 ट्रेनिंग हो गई हैं अभी। हाँ जी, 4-5 ट्रेनिंग इनकी हो गई हैवी और 2-3 मज़ीद रह गई हैं। उसके बाद फिर डी लोडिंग शुरू होगी, लाइट वेट होगा और हाई रैप्स, और देखते हैं क्या अगले वीक में करना है। लेकिन अभी जो है डी लोडिंग शुरू हो जाएगी। ये आज जुमेरात है, कल छुट्टी होगी और सैटरडे संडे के बाद जो है ना डी लोडिंग शुरू होगी, लाइट वेट और मुनासिब सा। आजकल जो है इन दोनों की बड़ी टफ ट्रेनिंग चल रही है और आप लोग देख ही रहे होंगे इन दोनों की वीडियोज़, तो साथ में हंस भी रहे होंगे। अली कल वीडियो में हंस रहा था, आप ही हंस रहे हो जब तलहा के बारे में, आप ही हंस रहे थे। जिस तरह जब मैंने छोड़ा था आपने कहा था नहीं, तब ये दो तीन दफा हंसा था, ये भी हंसा था, लेकिन आप ही हंस रहे थे। तो वो आप वीडियोस देखेंगे, लेग प्रेस करते हैं, वो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी अली की, दूसरी जो है तलहा की वो अभी करूँगा बाद में। ले जी, अभी वार्म अप हो गए। आज चर्स डे है जी और काफ़ी टफ ट्रेनिंग होगी, इंशाल्लाह हैवी वेट होगा, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ले जी, वार्म अप चर्स की ट्रेनिंग ख़त्म कर ली है और अब हम ऊपर आए हैं 3rd फ्लोर पे कार्डियो सेक्शन में कोर ट्रेनिंग करने के लिए। उसमें हम कोर ट्रेनिंग करेंगे, सिर्फ लेग रेजेस करेंगे और उसके अलावा और कुछ नहीं करना बस। अभी जो जैसा कि आपको बताया था कि ये जो वीक इनका चल रहा है थोड़ी हाई इंटेंसिटी वाला चल रहा है, हैवी वेट्स हैं और उसमें हैवी वेट्स के साथ साथ इनकी रेपिटेशन भी ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, मसल में इंड्योरेंस पैदा कर रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ा सा ये है कि हैवी वेट कहीं पर एक सेट ऐसा होता है कि लाइट वेट होता है, जिसमें लाइट वेट भी ऐसा नहीं कि बहुत ही लाइट वेट हो जाए, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा लाइट वेट करके रेपिटेशन बढ़ाई जाती है, मसल्स में इंड्योरेंस पैदा हो। तो अब ये है कि उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि स्ट्रेंथ भी चाह रहा हूँ, के साथ साथ स्ट्रेंथ है, रेपिटेशन बेशक इनके लिए जो है वो 20 kg जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी ये नए लोग हैं, नए हैं, मतलब इतने ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, इनकी मसल जो मेच्योरिटी है, मसल जो लाइफ है वो आप समझ लीजिए कि 25 दिन है, 15 दिन होगी, 15 से 20 दिन होगी टोटल अगर 1 साल का आप निकालें, तो वो उनके मसल्स की जो लाइफ है वो 15 से 20 दिन की है। तो उसको आप उसमें स्ट्रेंथ लाने के लिए मुझे थोड़ा से इंड्योरेंस ट्रेनिंग भी करवानी पड़ रही है, साथ में हाई रैप्स भी है और वो हैवी वेट जो इनके लिए चाहे वो 25 किलो वाला जो हैवी वेट क्यों ना हो, उसमें इनके लिए वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो साथ में ये है कि तो मसल में स्ट्रेंथ आ रही है, साथ में इंड्योरेंस आ रही है ताकि हाई रैप्स की तरफ जाएं और हाई वेट के साथ जाएं। और ये चीज़ इनकी आज की ट्रेनिंग, अभी ये दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये रेड शर्ट में और वो लेग प्रेस कर रहे हैं। जी कर रहे हैं कोर की ट्रेनिंग, तलहा जो है लेग रेजेस पे और अली जो है हाइपर एक्सटेंशन पे। रेंज मैंने ये रखवाई है क्योंकि इस रेंज में काफ़ी ज़्यादा पेन होती है और जो मुझे मकसद चाहिए वो मुझे मकसद मेरा इसमें पूरा हो जाता है, इसलिए मैंने इनको कहा है कि लेग जो रेंज है वो थोड़ी कम रखें। तो 100 रैप्स हैं, 5-5 सेट्स हैं, एक सेट के अंदर टोटल 20 रैप्स हैं। हाँ जी, 40 रह गए जी। चलो जी, शाबाश अली, बिस्मिल्लाह, ओके जी, टेक केयर।